आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी संभावना को देखते हुए राज्य कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम की योजना बनाई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अपने दम पर कम से कम 25 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कार्यक्रम में पदयात्रा और बस यात्रा शामिल होगी, जिसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के गुजरात मेघालय चरण के साथ जोड़ा जाएगा। ये होगी कांग्रेस की रणनीति। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बालासाहेब थोराट और वर्षा गायकवाड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में पद यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटोले नागपुर में यात्रा का नेतृत्व करेंगे, जबकि वडेट्टीवार अमरावती में, अशोक चौहान मराठवाड़ा में, थोराट उत्तरी महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चौहान पश्चिमी महाराष्ट्र में और गायकवाड़ मुंबई में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक जिले में यात्रा का नेतृत्व करने के लिए दो नेताओं को चुना गया है। कुछ दिनों में शुरू होगी यात्रा। पटोले ने कहा कि यात्रा कुछ हफ्तों में शुरू करने की योजना है, साथ ही एक विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि यात्राओं के दौरान बीजेपी के झूठे वादों और सरकार की विफलताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी।